हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपिक बॉक्स। कैसे हो फ्रेंड्स आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सपने से जुड़ी जानकारी लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक बॉक्स में परीक्षा में फेल या फिर एग्जाम छूट जाने वाले सपने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, हम सभी सपना जरूर देखते हैं, लेकिन आज टॉपिक बॉक्स में जिस खास सपने के बारे में बताने जा रही हूँ मैं, वह सपना आपने कभी न कभी ज़रूर देखा होगा, और यह खास सपना है परीक्षा में फेल होने का या फिर एग्ज़ाम का छूट जाना। तो क्यों चौंक गए ना आप कि अब तक ऐसे सपने के बारे में टॉपिक बॉक्स में क्यों नहीं बताया था। तो चलिए आज विस्तार से आपको इसकी पूरी जानकारी देती हूँ कि आखिर क्यों हम ऐसे स्कूल के सपने आते हैं और हम किसी परीक्षा में फेल हो गए हैं या फिर हमारा एग्ज़ाम ही छूट गया है, जबकि स्कूल पास किए हुए हमें काफ़ी साल बीत गए हैं। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार लगभग 20-25% लोगों को स्कूल में पढ़ते हुए या फिर स्कूल से निकलने के सालों बाद भी कभी न कभी एग्ज़ाम का सपना डराने के लिए आ ही जाता है। यहाँ पर छात्रों को परीक्षा का डर सताने की बात तो समझ आती है, लेकिन बरसों पहले स्कूल कॉलेज पास कर अपना जीवन सफलता से चला रहे लोगों को भी यह सपना क्यों परेशान करता है। फ्रेंड्स, यह थोड़ा अटपटा सा लगता है, तो चलिए आज हम आपको बता ही देते हैं। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परीक्षा वाले सपने तभी आते हैं जब आपके अंदर किसी भी तरह से आत्मविश्वास की कमी हो रही होती है। वहीं खास तौर पर यह सपने तब भी आते हैं जब आप अपने जीवन में कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे होते हैं और आपको यह डर हो कि आपका यह फैसला सही साबित होगा कि नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी काम को करने का दबाव और उसमें गलती करने का डर भी परीक्षा वाले सपने देखने की अहम वजह मानी जाती है। इसका सकारात्मक पक्ष देखें तो यह सपने किसी व्यक्ति के अपनी जवाबदारियों, ड्यूटी या फैसलों की तरफ सचेत होने का इशारा करते हैं। इसके अलावा ये सपने कोई खास डेट जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी इवेंट की डेट पास होने पर भी आते हैं। सपनों में एग्जामिनेशन हॉल का रास्ता ना मिलना या फिर पैन ना चलना असल ज़िंदगी में चूके हुए या चूके जा सकने वाले मौक़ों की तरफ इशारा करते हैं। और इस तरह के सपने अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार रहने के लिए रिमाइंडर का भी काम करते हैं, बस इन्हें आपको समझने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अब कभी आपको परीक्षा से जुड़े ऐसे सपने कोई आए तो घबराए नहीं, बल्कि आने वाली मुश्किलों से उभर कर बाहर आने का प्रयास करें और साथ ही अपने लिए हुए निर्णयों पर भरोसा रखें और उस पर अमल भी करें। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिसने अभी तक मेरे चैनल टॉपिक बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल टॉपिक बॉक्स को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे सबसे पहले आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स अपनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।